स्वागत है आपका MotorLab के एक और वीडियो में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है, बहुत धूल मिट्टी हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है और बहुत ज़्यादा फ्रीडम है नहीं है कि आप अपनी गाड़ी बाहर निकाल सकें, धो सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप घर पर रहकर अब अपनी गाड़ी को थोड़ा सा पर्सनल केयर दे सकते हैं, साफ़ सफाई कर सकते हैं। और चूंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो बिना पानी के, मतलब पानी का कम से कम यूज़ करते हुए इसको किस तरीके से साफ़ किया जाता है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके फ्रंट मास्क से, किस तरीके से साफ़ होगा। इसमें आप देख सकते हैं कई सारे जो बर्ड्स हैं उनकी जो बीट है वो भी यहाँ पर गिरी हुई है और इनको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो फिलहाल इसको सफाई, इसकी सफाई के लिए बेसिकली हमें करना ये होता है कि आपके पास में इस टाइप के जो बर्तन मांजने का जो साबुन है उसमें थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा। और पानी लेने के बाद आपको करना ये है कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा इस तरीके से आपको यूँ साफ़ करना है अपनी गाड़ी को। जहाँ जहाँ पर आपको गंदगी लग रही है वहाँ वहाँ हर जगह पे इस तरीके से साबुन को फेर दीजिएगा। बस ये एक सिंपल वॉशिंग है। ये हो गया पूरी तरीके से, जहाँ जहाँ भी आपको लगता है। तो ये गाइस, ये हमारा जो, अब आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी थोड़ा सा गंदगी तो निकल रही है ना। और सेम फिर आपको एक सूखा कपड़ा लेना है और सूखे कपड़े से आप इसको पोंछ दीजिएगा। जहाँ जहाँ भी आपने साबुन का इस्तेमाल किया है वहाँ वहाँ पर सभी जगह पे इसी सूखे कपड़े से आपको पोंछना है। और पोंछने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी जो गाड़ी है वो बहुत बिल्कुल जैसे वॉशिंग से होती है बिल्कुल सेम वैसे ही, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है। और इस कंडीशन में अगर आप इसको थोड़ा सा धूप में रख के वैक्स कर देंगे तो ये और ज़्यादा चमक जाएगी। देख सकते हैं कि ये कितनी बढ़िया बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रही है, अब कोई इसमें दाग धब्बा नहीं है। यही सेम चीज़ हमने इस साइड में की थी, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गई ये। और अब हमें करना है इसमें ये वाला जो हिस्सा है, ये चूँकि ज़मीन के ज़्यादा संपर्क में रहता है तो इसको भी हमें उसी तरीके से साफ़ करना है। तो आइए इसको साफ़ कर लेते हैं। तो गाइस, हार्डली 10 मिनट की मेहनत के बाद में आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो ऊपर के जितने ही पैनल थे वो सब बहुत ही मस्त तरीके से साफ़ हो चुके हैं। और अब आप मेरा शेड भी उसमें देख सकते हैं, बढ़िया साफ़ हो गया। और सेम हमने आगे को भी वैसे ही साफ़ किया है। और लेकिन ये जो नीचे के जो पोर्शन है, जैसे ये टायर वाला और ये जो एक पोर्शन है जिसमें मेन यहाँ पर, क्योंकि ये सिस्टम ज़्यादा सेंसिटिव है, इलेक्ट्रिकल पार्ट इसमें ज़्यादा लगे हुए हैं, तो अब हमें इसको साफ़ करना है। तरीका सेम वही है कि हमें बस वही साबुन का एक छोटा थोड़ा घोल लेना है और साबुन के घोल से ये जितनी भी जगह है उन सबको थोड़ा थोड़ा साफ कर देना है। जहाँ जहाँ पे ऑयल है और जहाँ जहाँ गंदगी है लगभग सभी जगह पे इसी तरीके से हमें करना है। तो ये वाला काम भी कर लेते हैं क्योंकि लॉकडाउन का समय है तो समय तो भरपूर है, तो कुछ काम ही कर लिया जाए। हमने जो नीचे के जो टायर थे उनको भी साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि अब जो इसमें धूल मिट्टी लगी हुई थी
उसको बस पोंछने की देर है। और ये जो गाड़ी है ये बिल्कुल चमक जाएगी, ये देखिए। यहाँ जितने भी एरिया हैं जहाँ जहाँ पर मिट्टी या धूल लगी होती वहाँ वहाँ पर हमने जो साबुन है, साबुन का जो पेस्ट था या जिसको साबुन का पानी कहें, उससे पहले हमने जितनी भी डर्ट और धूल मिट्टी थी उन सबको गलाया, और फिर उसके बाद में एक साफ़ कपड़े से उसको साफ कर रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है इस किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को साफ़ करने का, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ को साफ़ करने का जिसमें कि आप पानी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली नहीं लगा सकते। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आर्म है ये भी बहुत बढ़िया तरीके से, ये भी बढ़िया साफ़ हो गई है। इस तरफ से भी हमें सिर्फ अभी सिर्फ पोंछना है। आर्म के बाद में आप देखिए ये जो फ्रंट फॉर्क है उसमें भी, जो फ्रंट व्हील है उसमें भी किस तरीके से ये जो गंदगी है ये लगी हुई है। तो इसको भी बिना हाई प्रेशर वाटर के हम किस तरीके से साफ़ करते हैं आइए देखते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं होगा, हमें वही साबुन का हमारा जो घोल है उसको इस तरीके से घिसना है, और थोड़ी देर के बाद में एक बार ये गल जाएगा, उसके बाद में हमें सूखे साफ़ कपड़े से इसको पोंछ देना है। ये जो व्हील है इसको भी पूरी तरीके से अब साफ़ कर लिया है। अब सिर्फ हमें एक सूखे कपड़े से, जैसे सबको हमने साफ़ किया इसको भी सूखे कपड़े से बस क्लीन कर देना। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो टायर है वो बिल्कुल चमक गया है, जो रिम है वो भी चमक गया है। तो आप देख सकते हैं गाइस के एक ड्राई मेथड से भी हम चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं। अब आइए तो वैसे देखा आपने कि ड्राई मेथड से भी हम गाड़ी को साफ और क्लीन रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमेशा सैकड़ों लीटर पानी की बर्बादी की जाए, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हमेशा किसी वॉशिंग सेंटर पर ले जाएं। अगर आपके पास में थोड़ा समय है तो आप समय निकाल कर अपनी गाड़ी को भी इस तरीके से साफ़ सुथरा और चकाचक रख सकते हैं। और एट द एंड बस जो इसका जो ब्रेक प्लेट है इसको हमें साफ़ कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी पूरी तरीके से साफ़ हो गई है। एकदम क्लीन। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको आज किस तरीके से ड्राई क्लीन करते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, इसकी एक सलाह आपको या छोटा सा सजेशन दिया कि पानी से इनको क्योंकि बचाना होता है हमें, कोई भी प्रॉब्लम इनमें आ सकती है, ये चीज़ आपको पसंद आई होगी।
तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए मोटर लैब ईवीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।